अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल खैर उफियत से होंगे, ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे होंगे। तो आज हम मॉडल पेपर नंबर 6 से अपने PPSC के MCQs का आगाज़ करेंगे। मॉडल नंबर पेपर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रशियंस ऑयल एंड गैस कंपनी विच प्रोवाइड ऑयल एंड गैस टू यूरोपियन कंट्रीज़। और उस कंपनी का नाम है गैस प्रॉम कंपनी, गैस प्रॉम कंपनी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रशियन ऑयल एंड गैस कंपनी विच प्रोवाइड ऑयल एंड गैस टू यूरोपियन कंट्रीज़ है, और उस कंपनी का नाम है गैस प्रॉम कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेटेलाइट्स है, तो वो है जुपिटर। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट है, तो वो भी है जुपिटर। नेक्स्ट है, वट वॉज द मेन रीज़न ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एरियल शरान फॉर ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, तो वो था इलनेस की वजह से, ठीक है। वट वॉज द मेन रीज़न ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एरियल शरान फॉर ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, तो वो इलनेस की वजह से। नेक्स्ट है, इन विच ईयर यूरोपियन रूलर्स कैप्चर्ड फलस्तीन फ्राम दी मुस्लिम्स इन क्रुसेड वार, तो उन्होंने 1099 ईस्वी के अंदर उन्होंने मुसलमानों से वो कैप्चर कर लिया था। यूरोपियन रूलर्स ने कैप्चर किया था फलस्तीन को मुसलमानों से क्रुसेड वार के अंदर 1099 ईस्वी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द क्रेमलिन, क्रेमलिन क्या चीज़ है? क्रेमलिन एक ऑफिस ऑफ रशियन गवर्नमेंट, रशिया की जो गवर्नमेंट है उनका एक ऑफिस है जिसका नाम है क्रेमलिन, ठीक है। नेक्स्ट है, ए मैस ऑफ आइस ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन्स इन स्नो फील्ड अबव द स्नो लाइन इज कॉल्ड ग्लेशियर्स। अ मैस ऑफ आइस ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन्स इन स्नो फील्ड अबव द स्नो लाइन इज कॉल्ड ग्लेशियर, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि जो ग्लेशियर जो होते हैं, बड़े बड़े रे बर्फ़ के तोदे जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, वो होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डायमीटर ऑफ अर्थ है 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाइट वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 3.82 डिग्री है, ठीक है। हैवी जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसका है 3.82, वैसे जो आम पानी है उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल ऑफ ब्लड कैरी ब्लड फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हर्ट, तो वो हैं वेन्स, वेन्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड लेकर आती हैं हर्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू सीज लिंक्ड बाय सूज कनाल, तो वो हैं मेडिटेरेनियन सी और रेड सी। नेक्स्ट है, डाइगो गार्सिया क्या है? डाइगो गार्सिया एक यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री बेस है इंडियन के अंदर, ठीक है जी, दोबारा सुन लें, डाइगो गार्सिया क्या है? तो वो है यूनाइटेड स्टेट की एक मिलिट्री बेस है इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी सेटेलाइट्स ऑफ सैचरन प्लानट है, सैचरन प्लानट के अंदर कितनी सेटेलाइट्स या मून्स हैं? वो हैं 62, ठीक है जी। हाउ मैनी सेटेलाइट्स और मून्स ऑफ सैचरन प्लानट है? वो हैं 62। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइड ऑफ नेचुरल डेथ, इनमें से इंदिरा गांधी भी कत्ल हुई, महात्मा गांधी कत्ल हुए और राजीव गांधी भी कत्ल हुए, लेकिन इनमें कोई भी जो है वो नेचुरल डेथ नहीं मरा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ आईवी लीग, आईवी लीग क्या है? आईवी लीग अ ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएसए, आईवी लीग एक ग्रुप है 8 यूनिवर्सिटियों का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन विच आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये किसका लॉ था? ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, दोबारा सुन लें, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ठीक है, विच आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस, ये अभी तो इनका चेंज हो गया, तो नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो थे अहमद शाह पतरस बुखारी, अहमद शाह पतरस बुखारी, ठीक है जी। फर्स्ट एम्बेसडर जो पहले सफीर थे पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन के लिए वो थे अहमद शाह पतरस बुखारी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द नॉट मेंबर ऑफ G8, चाइना जो है वो G8 का मेंबर नहीं है, ठीक है जी। इन चारों में से USA, रशिया और जापान के अंदर से ये चाइना जो है ये G8 का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है, हेपाटाइटिस इज़ अ वायरल डिजीज़ ऑफ लिवर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, तालिबान्स मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1994 फ्राम विच सिटी ऑफ अफगानिस्तान, तो वो कंदार जो यानी कि जो सिटी था उससे, तालिबान मूवमेंट जो 1994 में शुरू हुई थी वो अफगानिस्तान के शहर कंदार से शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द थर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ ECO या RCD एक्सपेक्ट पाकिस्तान एंड ईरान, तो वो है तुर्की, दोबारा सुन लें, विच इज़ द थर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ ECO या RCD एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड ईरान, तो वो है तुर्की।
यानी कि तीसरा मेंबर जो जिसने ईसीओ को फाउंड किया पाकिस्तान और ईरान के बगैर, तो वो था तीसरा तुर्की। नेक्स्ट है, हाउ मैनी जीरोज़ आर देयर इन 1 ट्रिलियन? 1 ट्रिलियन के अंदर 12 जीरो होते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबल प्राइज़? तो वो था रविंद्र नाथ टैगोरी। रविंद्र नाथ टैगोरी वो शख्स है कि जिसने पूरे एशिया में सबसे पहले नोबल प्राइज़ हासिल किया। इसने नेशनल एंथम भी लिखा है इंडिया का, और इसने टाइटल भी दिया था महात्मा गांधी का, गांधी साहब को, एज ए महात्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस वेयर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाज लोकेटेड? है तो वो थे ग्राउंड जीरो के ऊपर, यानी कि जो वो उस जगह का क्या नाम है जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थे जो कि 2001 में गिरे थे, तो वो है ग्राउंड जीरो के ऊपर। नेक्स्ट है, कमिंग 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ ईसीओ विल बी हेल्ड इन 2018 पाकिस्तान, ये गुजर हो चुकी है। नेक्स्ट चीज है, व्हाट इज मीट बाय एमिकस क्यूरी? एमिकस क्यूरी से क्या मुराद है? अ पर्सन इन्वाइटेड टू एडवाइस अ लोअर कोर्ट ऑन मैटर ऑफ लॉ इन केस ऑफ ज्यूरिस्ट। दोबारा सुन ले, एमिकस क्यूरी क्या होता है? वो एक पर्सन इन्वाइटेड टू एडवाइस अ लोअर कोर्ट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ इन अ केस या ज्यूरिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान आर लिंक्ड थ्रू रेलवे लाइन? है तो वो है क्वेटा और जहेदान। ठीक है, क्वेटा और जहेदान है जो ईरान और पाकिस्तान के जो दो शहर हैं जिन्हें रेलवे लाइन के जरिए कनेक्ट किया जाता है, तो पाकिस्तान से क्वेटा और ईरान से जहेदान है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द न्यूक्लियर फिशन? न्यूक्लियर फिशन क्या होती है? न्यूक्लियर फिशन एटम सप्लिट्स इंटू टू मैसेज। न्यूक्लियर फिशन उसे कहते हैं कि जब एटम बिखर जाता है टू मैसेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है जी, हाइफा। हाइफा इज़ अ सी पोर्ट ऑफ इसराइल। हाइफा का किसका सी पोर्ट है? इसराइल का सी पोर्ट है। दोबारा सुन ले, हाइफा किसका सी पोर्ट है? हाइफा इसराइल का एक सी पोर्ट है। नेक्स्ट है जी, हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का हेड ऑफिस पेरिस के अंदर है, जनेवा के अंदर नहीं बल्कि पेरिस के अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वैक? अर्थक्वैक कैसे आता है? तो इसके रीज़न ये तीन बयान किए गए हैं, पहले वोल्केनो एक्टिविटीज़, दूसरा टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, और तीसरा टेक्टोनिक डिसलोकेशन। ठीक है, इन तीनों की वजह से अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट है, द मुस्लिम पीपल ऑफ सिंकिंग प्रोविंस आर कॉल्ड, इसका क्या ना जी, यिगहोर। ठीक है, यिगहोर है। द मुस्लिम पीपल ऑफ सिंकाइंग प्रोविंस, सिंकाइंग प्रोविंस आर कॉल्ड यिगहोर। ठीक है, नेक्स्ट है जी, डिजिटल डिवाइड टर्म इज़ रिलेटेड टू, डिजिटल डिवाइड टर्म इज़ रिलेटेड विद सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस टेक्नोलॉजी इरा। डिजिटल डिवाइड जो टर्म है वो किसके साथ रिलेट की जाती है? वो रिलेट की जाती है सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस टेक्नोलॉजी इरा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इन विच ईयर ग्रीन विच मीन टाइम? ठीक है, ग्रीन विच मीन टाइम वाज एस्टेब्लिश, ये 1884 के अंदर। ठीक है, ये ग्रीन विच इंग्लैंड के अंदर एक शहर है, और यहाँ से पूरी दुनिया के वक्त का तय्यन किया जाता है। इसके टाइम के हिसाब से हर मुल्क अपना टाइम सेट करता है। ठीक है, ये 1884 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले क्लॉक को इन्वेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी, अ ग्रुप ऑफ क्रिश्चियनिटी डेट एम्फिसाइज द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिवेशन थ्रू फेथ इज कॉल्ड इवेंजेलिकल। इवेंजेलिकल, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ क्रिश्चियनिटी डेट एम्फिसाइज द अथॉरिटी ऑफ बाइबल एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिवेशन थ्रू फेथ इज कॉल्ड इवेंजेलिकल। नेक्स्ट है जी, लितानी रिवर। लितानी रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो वो है लिबनान के अंदर। ठीक है, लिबनान के अंदर लितानी रिवर पाया जाता है। और इसके अलावा लिबनान को द कंट्री ऑफ मिल्क एंड शहद, ठीक है, इसको शहद और दूध का कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज इकिबाना? इकिबाना से क्या मुराद है? इकिबाना एक जापानीज़ आर्ट ऑफ फ्लावरिंग अरेंजमेंट है। इकिबाना किसे कहते हैं? इकिबाना कहते हैं जापानीज़ आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट को। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है, गेस्टेपो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्मनी। गेस्टेपो वाज अ सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्मनी की एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है गेस्टेपो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर सिंबल ऑफ पाकिस्तान? तो वो है जैस्मीन, जिसे हम चंबेली कहते हैं। नेक्स्ट है, डायबिटीज इज़ द डिजीज़ ऑफ पेंक्रियाज। डायबिटीज पेंक्रियाज की एक डिजीज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स आर प्राइमरी कलर्स? इनमें रेड, ब्लू और ग्रीन जो हैं ये
प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है, रेड ब्लू एंड ग्रीन जो है ये प्राइमरी कलर्स हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन इराक। इराक के अंदर बेबीलोन के अंदर हैंगिंग गार्डन्स पाए जाते हैं, ठीक है, बेबीलोन के, इराक का जो शहर है बेबीलोन, वहाँ पर है हैंगिंग गार्डन, ये एक वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ फेलियर ऑफ पाकिस्तान इंडिया ईरान गैस पाइपलाइन। किसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो फेल्ड हुआ? तो वो था हाई प्राइस डिमांड बाय ईरान, ईरान ने ज़्यादा प्राइस डिमांड की थी, ठीक है, और जो पाइपलाइन हमने बिछाया था उसे हम पीस पाइपलाइन का नाम देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव गेव द राइट ऑफ मोनार्की टू वुमेन बाई अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली। तो वो है जापान। दोबारा सुन ले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गेव द राइट ऑफ मोनार्की टू वुमेन बाई अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली। तो वो है जापान। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन इज द ओल्डेस्ट। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लॉक जो है सबसे पुरानी इन्वेंशन। नेक्स्ट है, वट इज होलोकास्ट। होलोकास्ट उसे कहते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यहूदियों को मारा जा रहा था, तो उसे हमें होलोकास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, इज इक्वल एम सी स्केयर, इसमें सी से क्या मुराद है? इज इक्वल एम सी स्केयर में सी से मुराद है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। दोबारा सुन लें, इज इक्वल एम सी स्केयर जो फार्मूला है इसमें सी से क्या मुराद है? तो वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। मायोपिया क्या चीज़ है? मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि सही तरह से नजर ना आना, वो होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की वजह से। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। सिग्मा फ्राइड जो है ये मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर कहलाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पेरिस स्टेट। पेरिस स्टेट से क्या मुराद है? व्हाट इज़ पेरिस स्टेट? पेरिस स्टेट से मुराद है अ स्टेट विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड एंड इज़ अवॉइडेड बाय एवरी कंट्री। दोबारा सुन ले, पेरिस स्टेट से क्या मुराद है? पेरिस स्टेट इज़ अ स्टेट विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड एंड इज़ अवॉइडेड बाय एवरी कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे इफ्तिखार हुसैन ममदोद। दोबारा सुन लें, पाकिस्तान के पहले चीफ मिनिस्टर जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे इफ्तिखार हुसैन ममदोद। नेक्स्ट है जी, द टर्म ट्रैक टू डिप्लोमेसी इज़ यूज फॉर, ये किसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है? ये की जाती है मैनेजिंग रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज़ यूजिंग अनऑफिशियल चैनल्स। द टर्म ट्रैक टू डिप्लोमेसी एक टर्म है, ये यूज़ की जाती है मैनेज करने के लिए रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज़ बाई यूजिंग अनऑफिशियल चैनल, ठीक है। नेक्स्ट है जी, फ्रेंच मुस्लिम फुटबॉल स्टार जेंडी बाई बर्थ बिलोंग टू विच मुस्लिम कंट्री? वो मुस्लिम कंट्री है अल्जीरिया। फ्रेंच मुस्लिम फुटबॉल जो है स्टार जेडी जेंडी बाय बर्थ बिलोंग टू विच मुस्लिम कंट्री? वो अल्जीरिया के साथ बिलोंग करता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ ए कोरियोग्राफी? कोरियोग्राफी क्या है? कोरियोग्राफी इज़ अ आर्ट ऑफ डांसिंग, ठीक है जी। कोरियोग्राफी से क्या मुराद है? कोरियोग्राफी इज़ ए आर्ट ऑफ डांसिंग। नेक्स्ट है जी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वॉज यूज इन द केस ऑफ डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो वो यूज़ हुआ था बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन विज़ स्टेट केस, बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन विज़ स्टेट केस। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वॉज यूज इन द केस ऑफ मौलवी तमीज़ुद्दीन विज स्टेट केस है, ठीक है। उनके लिए पहली मरतबा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल किया गया था, डॉक्ट्राइन का जो सिलसिला है ये इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं जी, ओवैकस। ओवैकस इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ओवैकस AWACS इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ ए के साथ एयरबोर्न, डब्ल्यू वार्निंग एंड ACS से मुराद है AC एंड CS से मुराद कंट्रोल सिस्टम। दोबारा सुन लें, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ओके जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है जी। एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। दुनिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट चलते हैं जी, पाकिस्तान स्टेट बैंक स्टार्टेड वर्किंग ऑन 1 जुलाई 1948 विद द हेल्प ऑफ 30 मिलियन, ठीक है जी। 30 मिलियन की मदद से पाकिस्तान ने अपना पहला स्टेट बैंक जो है यानी कि अपने काम में शुरू हुआ था, ठीक है जी। उसने 8 मिलियन जो है तकरीबन ये हमने कायदे आजम ने लिया था उससे, हबीब बैंक से, ठीक है जी। और हबीब बैंक की एक वाहिद मुल्क वाहिद बैंक है जो तकरीबन 17 अगस्त को एस्टेब्लिश होकर अपना काम शुरू कर दिया था उसने, ठीक है, पाकिस्तान के आज़ाद होने के 3 दिन बाद। नेक्स्ट है जी, ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट है, वेयर इज़ द गोल्डन गेट सिचुएटेड? गोल्डन गेट कहाँ पे है? गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी, व्हेन द स्टॉक मार्केट इज़ फॉलिंग डाउन ये कहलाती है बेरिश, और जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है तो वो कहलाती है बुलिश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस? तो वो है जी कांगो रिवर। नेक्स्ट है, द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, तो वो कहाँ पे है जी? वो मनीला के अंदर है। हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB कहाँ पर लोकेटेड है? वो मनीला के अंदर इसका हेड क्वार्टर। नेक्स्ट है जी, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विच विटामिन? तो वो विटामिन ए की वजह से इंसान को लैक ऑफ यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट है जी, अखोरी डैम, अखोरी डैम कहाँ पे है? वो है जी KP के, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मैं आपको बता दूँ, खैबर पख्तूनख्वा को 2010 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया। पहले था इसका नाम NWFP, और NWFP जो है ये 1937 में इसको नाम दिया गया था। इसके अलावा 1970 में बलोचिस्तान सूबा एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है जी, अखोरी डैम है कहाँ पे लोकेटेड है? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। नेक्स्ट है तालकमान डेजर्ट, तालकमान डेजर्ट इज लोकेटेड इन चाइना। तालकमान डेजर्ट है, दोबारा सुन ले, ताकला मकान, सॉरी, हाँ, ताकला मकान डेजर्ट चाइना के अंदर पाया जाता है। दोबारा सुन लें, ताकला मकान डेजर्ट जो है वो चाइना के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है जी, खलील जिब्रान, खलील जिब्रान कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? वो लिबनान से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है जी, खलील जिब्रान कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? खलील जिब्रान लिबनान से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट है जी, हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज सिचुएटेड इन जनेवा या स्विट्जरलैंड? हेड क्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक फोरम इज लोकेट सिचुएटेड इन जनेवा के अंदर सबसे ज़्यादा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा जिनेवा के अंदर पाए जाते हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है, और स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है जी, इसके कोई भी समंदर है, इसको कोई साहिल नहीं पाया जाता। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर यानी कि स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान जो सवात है उसको स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट डाइड वाइल प्लेइंग पोलो, ठीक है, वो पोलो खेलते हुए लाहौर के अंदर मरा था, और इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मज़ार है वो भी, ये दफन भी लाहौर में ही हुए थे। ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक सब कॉन्टीनेंट के जो रूलर थे वो कब मरे थे, किसके ज़रिए मरे थे? पोलो, ये एक घुड़सवारी की गेम होती है, और ये खेलते हुए मरे थे। नेक्स्ट है जी, बाबर टॉम्ब, बाबर टॉम्ब इज सिचुएटेड इन काबुल। बाबर टॉम जो है ये काबुल में है, और सिर्फ जहीरुद्दीन बाबर ये वो शख्स हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट से बाहर दफन हुए हैं। ठीक है जी, बाकी सारे जो एम्पीरियर मुगल एम्पीरियर हैं वो सारे के सारे कहाँ पे हैं जी? सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही हैं, या इंडिया में या पाकिस्तान में। इसके अलावा जो आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर हैं वो रंगून में उन्होंने आखिरी दिन गुजारे, और वहाँ पर ही उनका मज़ार भी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्राम फरगाना। बाबर ओरिजिनली कहाँ से आया था? वो फरगाना से आया था, और बाबर ने ही 1552 के अंदर एम्पीरियर मुगल एम्पीरियर की बुनियाद रखी थी। ठीक है, बाबर ने पहली पानीपत की जंग 1526 में लड़ी, और दूसरी 1552 में पानीपत की जंग इसी ने लड़ी। ठीक है, बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्राम फरगाना। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फार्मिंग किंग टॉम इज़ नॉट सिचुएटेड इन सब कॉन्टिनेंट? वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बाबर ही है। नेक्स्ट है जी, हु इज़ द कंकर ऑफ सेंट्रल एशिया? तो वो है कुताबिया बिन मुस्लिम। हु इज़ द कंकर ऑफ सेंट्रल एशिया? तो वो हैं जी कुताबिया बिन मुस्लिम, यानी कि सेंट्रल एशिया को किन्होंने कंकर किया? तो वो थे कुताबिया बिन मुस्लिम। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम की जो बुक है उसके ऑथर कौन है? वो जी मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के कौन हैं जी ऑथर? वो हैं मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, फेमस बुक अ हिस्ट्री ऑफ गॉड किन्होंने लिखी? वो थे जी कैरन आर्मस्ट्रांग, ना के नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, द फेमस बुक अ हिस्ट्री ऑफ गॉड किन्होंने लिखी? कैरन आर्मस्ट्रांग ने लिखी। ठीक है, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सिचुएटेड बिलो द सी लेवल? हॉलैंड या नैदरलैंड? नैदरलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि समंदरी हदूद से यानी कि समंदर के लेवल से निचली सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट है जी, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, स्पिरिट ऑफ इस्लाम किन्होंने लिखी? ये बुक है एक, ये लिखी सैयद अमीर अली ने। ठीक है जी, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम सैयद अमीर अली ने लिखी। नेक्स्ट है जी, अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसके जरिए आप चीज़ों को भूल जाते हैं, और वो किन किन के अंदर
अंदर होती है वो नर्व सेल्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट, तो वो है विटामिन डी। नेक्स्ट है जी क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एज ए मेन कंपोनेंट, ठीक है जी क्रोमोसोम डीएनए के जरिए पाया यानी कि बनता है। और नेक्स्ट है जी हैरी पॉटर इज अ फेमस कैरेक्टर ऑफ जे के रोलिंग। हैरी पॉटर एक फिल्म की सीरीज भी आ रही है और ये नावल भी है। हैरी पॉटर जो है ये फेमस कैरेक्टर है किसका, जेके रोलिंग का। नेक्स्ट है जी विच आर द फॉलोइंग वोमेन प्रेजिडेंट, सॉरी वोमेन प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्गेस्ट टेन्योर, तो वो है जी बांद्रा ने की, हाँ बांद्रा ने की ऐसे लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वोमेन प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे ज़्यादा किन्होंने हुकूमत की, लॉन्गेस्ट टेन्योर किन का था, वो था जी बांद्रा ने का, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो है जी राजस्थान। राजस्थान इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है, ठीक है जी इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट राजस्थान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजन आर विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन ऑफ आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ टिग्रिस है, तो वो है जी सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है जी सुमेरियन सिविलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन आर लोकेटेड बैंक ऑफ टिग्रस है, तो वो है जी सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है ये बैंक ऑफ टिग्रस के ऊपर है लोकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिल्म इंडस्ट्री कैलिफोर्निया के अंदर है। नेक्स्ट है जी इसके अलावा जो सिलिकॉन वैली है वो भी यानी कि एज ए कंप्यूटर की सबसे बड़ी जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है वो भी कैलिफोर्निया इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया के अंदर ही पाई जाती है। नेक्स्ट है जी इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। नेक्स्ट है हु डिफीटेड द मंगोल्स इन 14th century, 14वीं सदी में मंगोलियों को किसने डिफीट किया, किसने हराया था, वो जी रकनुद्दीन बर्बर था उस शख्स का नाम जिसने मंगोल्स को 14वीं सेंचुरी के अंदर मंगोलियों को हराया था। रकनुद्दीन बर्बर, ठीक है रकनुद्दीन बर्बर उसका नाम था। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विष्णु, विष्णु का मतलब होता है द प्रिजर्वर, ठीक है विष्णु ये आमतौर पर इंडिया के शख्स बोलते हैं, इसका मतलब होता है विष्णु का मतलब होता है द प्रिजर्वर, ठीक है यानी कि हिफाजत करने वाला। नेक्स्ट है जी विच इज़ द बिगेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इराक, इराक की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड कौन सी है, तो वो है जी किरकक ऑयल फील्ड इराक की सबसे बड़ी जो ऑयल फील्ड है वो है किरकक ऑयल फील्ड। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट विल द टोटल न्यूक्लियर एनर्जी इन पाकिस्तान आफ्टर कंप्लीटिंग द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2, ठीक है वो है जी 787 मेगावाट, ठीक है। विच व्हाट विल द टोटल न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि पाकिस्तान की टोटल न्यूक्लियर एनर्जी अब कितनी है चश्मा न्यूक्लियर प्लांट बनने के बाद। चश्मा न्यूक्लियर प्लांट हमने चाइना की मदद से बनाया, इससे पहले कराची न्यूक्लियर प्लांट जो है वो हमने कनाडा की मदद से बनाया। चश्मा न्यूक्लियर प्लांट 2000 में हमने बनाया और पहला कराची न्यूक्लियर प्लांट हमने 1974 के अंदर बनाया और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मुकम्मल न्यूक्लियर एनर्जी है वो है 787 मेगावाट। नेक्स्ट है जी डाइट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जापान, जापान के पार्लियामेंट का डाइट है। नेक्स्ट है जी इन विच ईयर इजिप्ट नेशनलाइज सूज के नाल मिस्रियों ने किस वक्त नेशनलाइज की, तो वो उन्होंने 1956 के अंदर नेशनलाइज की। मिस्रियों ने इजिप्ट के लोगों ने नेशनलाइज सूज के नाल को कब नेशनलाइज किया, तो वो उन्होंने 1956 को नेशनलाइज किया। सूज के नाल ऐसी है जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी सिलिकॉन वैली, ठीक है जी मैंने आपको पहले भी बता दिया सिलिकॉन वैली जो है वो यू कैलिफोर्निया के अंदर पाई जाती है। सिलिकॉन वैली कंप्यूटर इंडस्ट्री का नाम है, ठीक है कंप्यूटर इंडस्ट्री है। इसके अलावा हॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो भी कैलिफोर्निया और सिलिकॉन वैली वो भी कैलिफोर्निया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज आर्मागेडन, आर्मागेडन से क्या मुराद है। आर्मागेडन अ फाइनल बैटल बिटवीन नेशंस विच विल एंड द वर्ल्ड, आर्मागेडन उसे कहते हैं कि एक ऐसी जंग जो मुख्तलिफ कौमों के बीच लड़ी जानी है और पूरी दुनिया ने ख़त्म हो जाना है, उसे आर्मागेडन कहते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट एम्बेसडर, ये भी नहीं, हु वाज़ द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन, पहली जंग अजीम के दौरान कौन था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेजिडेंट, तो वो था जी वुड्रो विल्सन था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहली वर्ल्ड वार में प्रेसिडेंट। पहली वर्ल्ड वार 1914 से 18 तक लड़ी गई और दूसरी वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के दरमियान लड़ी गई, ठीक है।